जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामने शोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यू बैच का लेक्चर 12 हम लोग देखने जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग संतत आवेश वितरण और संतत आवेश वितरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और फिर इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे आयतनी आवेश घनत्व और फिर हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी टर्म हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म हैं, इन सबको हम लोगों को आज देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि संतत आवेश, संतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस और आवेश वितरण अगर शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो संतत का मतलब होता है लगातार और आवेश वितरण यानी आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो जानते हैं क्या है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है ना तो यह आवेश उस चालक पर चारों तरफ लगातार वितरित होता रहता है, लगातार प्रवाहित होता रहता है। तो किसी भी चालक पर वैद्युत आवेश के लगातार प्रवाहित होने को ही संतत आवेश वितरण कहते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि जैसा कि नॉर्मली आप जानते हैं चालक तीन प्रकार का होता है। एक चालक जो होता है वो सरफेस के आकार का हो सकता है, तल के आकार का हो सकता है, जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं या कह लीजिए कोई प्लेट हो सकता है जो टू डाइमेंशनल होता है। तो चालक टू डाइमेंशनल हो सकता है, चालक जो है तार के जैसा हो सकता है, चालक जो है थ्री डाइमेंशनल भी हो सकता है, घनाभ के आकार का हो सकता है, घन के आकार का हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि किसी चालक के एकांक आकार में आवेशों की संख्या को आवेश घनत्व कहते हैं, ये भी ध्यान में रख के रहिएगा। किसी चालक, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, किसी चालक के एकांक आकार में आवेशों की संख्या को आवेश घनत्व कहते हैं। यह आवेश घनत्व जो होता है यह तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो होता है ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा जो घनत्व होता है, आवेश घनत्व होता है, वह रैखिक आवेश घनत्व होता है। इन सबको पहले जान लिया जाए फिर इनका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व जिसको हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके बाद तीसरा जो होता है यह आयतनी आवेश घनत्व होता है, तीसरा आयतनी
आवेश घनत्व, तो इसको जो है वॉल्यूमेट्रिक भी कह सकते हैं, बल्क भी कहा जाता है, ठीक ना। जो जिस वर्ड का यूज करना चाहे कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक या फिर हम लिख सकते हैं बल्क। तो ये जो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक आप समझ लें, ये अब पृष्ठीय आवेश घनत्व और रैखिक आवेश घनत्व, आयतनी आवेश घनत्व क्या है, इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि यह आवेश घनत्व चालक के आकार पर निर्भर करता है, तो अब चालक कैसा है, आवेश घनत्व के बारे में हमने बताया कि किसी भी चालक के एकांक आकार में आवेशों की संख्या को ही हम आवेश घनत्व कहते हैं। अब जरा हमें ध्यान देने योग्य बात है, सपोज कीजिए कोई तल है, तो तल जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। और जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर इसका छोटा सा क्षेत्रफल हम लेते हैं, सपोज कीजिए हम इसका छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल को सरफेस एरिया कहते हैं, और इस सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया को हम चाहे तो यस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो छोटे से क्षेत्रफल को हम यहाँ डेल्टा यस लिख देंगे। और इस छोटे क्षेत्रफल पर जो दिया गया आवेश है, उस आवेश को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों तो संपूर्ण आवेश होगा, लेकिन छोटा सा आवेश है तो इसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सबको अच्छी तरह से याद रखना होगा। और ये जो होता है दिए गए अल्पांश आवेश तथा अल्पांश क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब जरा देखिए कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। यदि किसी समतल चालक को, या समतल चादर भी कह सकते हैं, यदि किसी समतल चादर के अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा यस पर वितरित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू तथा डेल्टा यस के अनुपात को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम एक दूसरी डिफिनीशन यहां से देना चाहें, तो दूसरी डिफिनीशन हम दे सकते हैं डेल्टा यस इज इक्वल टू वन, और चूंकि क्षेत्रफल है तो 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो देखें अब हम यहां से क्या डिफिनीशन दे सकते हैं, किसी समतल चालक चादर या किसी समतल चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ध्यान दीजिएगा, किसी समतल चादर के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही उस समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर हम लोग जरा इसका मात्रक देखना चाहें, तो ये आवेश कूलाम है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और डेल्टा यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मात्रक है ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी याद रखे रहिएगा कि घनत्व है, घनत्व अदिश राशि होती है, तो इसलिए चाहे कोई भी घनत्व होगा तो यह अदिश राशि होगी, ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना होगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। अगर बीमा निकालना चाहें तो देखें, ये Q is equal to I into T होता है, Q is equal to, तो I into T लिखेंगे, तो I का मतलब एम्पियर, T का मतलब सेकेंड, तो कूलाम के जगह पे हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए एम्पियर सेकेंड, अपान हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर माइनस टू हो जाएगा। अब हम यहाँ से चाहें तो इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, इसकी बीमा लिख सकते हैं। तो पहले मीटर को हम लिख रहे हैं, तो मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो लंबाई की बीमा L और माइनस टू हो जाएगा। और इसके बाद ये S जो है टाइम है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम, टाइम की बीमा T लिख देंगे और फिर ये एम्पियर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं रैखिक आवेश घनत्व की, ये पहली डिफिनेशन हमने बताया आपको। अब दूसरी डिफिनेशन हम रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व में जानते हैं क्या होता है, चालक लंबा होता है। जैसे अगर कोई चालक तार हम ले लें, देखें अगर कोई चालक तार ले ले तो यह चालक तार जो है यह रैखिक आवेश की तरह कार्य करता है। रैखिक आवेश यानी रेखा, अगर हम लाइन खींचें तो वह लाइन बिल्कुल इसी तरह का प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम रैखिक चालक कह सकते हैं। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर रैखिक चालक की हम अल्पांश लंबाई लेते हैं तो रैखिक चालक की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल हो और अल्पांश लंबाई पर दिया जाने वाला जो अल्पांश आवेश है, अल्पांश का मतलब समझते हैं ना, छोटा सा भाग, लंबाई का छोटा सा भाग, तो जब लंबाई का छोटा सा भाग होगा तो जो आवेश होगा वो आवेश का छोटा सा भाग हो जाएगा। और इस प्रकार हम आपको बता दें कि डेल्टा क्यू और डेल्टा यल का जो अनुपात होता है इसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप याद रख करिएगा, इन सबके सिंबल को आप बढ़िया से याद रख करिएगा, आगे चल करके हम ढेर सारे डेरिवेशन बताएंगे और ये सब डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे जाएंगे, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और आगे जो डेरिवेशन बताएंगे वो डेरिवेशन बिल्कुल इसी पे रिलेटेड होंगे और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे। अब जरा देखा जाए, यहां से अगर हम एक दूसरी डेफिनेशन देना चाहें, लेकिन पहले इसको हम बता दें क्या कि एक ऐसे हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई डेल्टा यल और उसको दिया गया अल्पांश आवेश डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू तथा डेल्टा यल के अनुपात को ही रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक दूसरी डिफिनीशन हम कैसे दे सकते हैं, तो दूसरी डिफिनेशन देने के लिए अगर डेल्टा यल लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। डेल्टा यल इज इक्वल टू अगर हम 1 मीटर कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए आपने डेल्टा यल के जगह पे 1 कर दिए, तो डेल्टा यल के जगह पे 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान 1, यानी ये हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझे, एकांक लंबाई के रैखिक चालक, या हम चालक तार कह सकते हैं, एकांक लंबाई के चालक तार पर उपस्थित या वितरित
आवेश की मात्रा को ही उस चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका अब ये भी अदिश राशि है, जहां घनत्व है वो अदिश राशि है। अब इसका मात्रक अगर हम देख लें तो ये कूलाम है, तो कूलाम आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। यानी रैखिक आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति मीटर होता है। अब इसके बाद अगर हम इसको एमकेएसए पद्धति में लिखना चाहें तो कूलाम का मतलब एम्पियर सेकंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो ये हो गया एम्पियर सेकंड और ये मीटर हो जाएगा। फिर ऊपर लिख देंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा और एम्पियर सेकंड हो जाएगा। एमकेएसए पद्धति में मात्रक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। मैं बार बार बताता हूँ कि एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक, बच्चे समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है और ऐसा रियलाइज भी होता है, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता भी है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा वो एसआई पद्धति होता है और एमकेएसए पद्धति में केवल मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर के अतिरिक्त कुछ दूसरा उसमें होगा ही नहीं। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब यहां से हम बीमा लिख लें इसका, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल इनवर्स और पहले टाइम का लिख लीजिए सेकंड, तो टी लिख देते हैं और फिर ये हो जाएगा ए। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से याद रखे रहिए। पूरा बताने के बाद अभी हम आपसे पूछेंगे। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें, दो तरह के चालक हमने देख लिया, एक समतल चादर की तरह हो, एक समतल प्लेट की तरह हो, जैसे कि कैपेसिटर होता है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे संधारित्र में प्लेट होता है, तो प्लेट का आवेश देखा और फिर आपने देखा चालक तार, तो चालक तार का आवेश तो आपने देखा ही है। अब अगर हम यह मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल वो घनाभ के आकार का हो सकता है, घन के आकार का हो सकता है, डिब्बा के आकार का हो सकता है, तो जब आवेश दिया जाएगा तो आवेश तो इस पर भी वितरित होगा और अगर इस पर वितरित होने वाला आवेश डेल्टा क्यू, और अब ये थ्री डायमेंशनल है तो इसका देखिए थ्री डायमेंशनल है तो यहाँ पर आयतन होता है डेल्टा भी। यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा, ये प्लेट जो होता है टू डायमेंशनल होता है, तो टू डायमेंशनल होता है तो क्षेत्रफल होता है, और ये तार जो होता है ये वन डायमेंशनल होता है, तो वन डायमेंशनल होता है इसमें केवल लंबाई होती है तो मीटर होता है, और यहाँ पर ये जो डिब्बा होता है ये यानी इस तरह का भी चालक हो सकता है, तो ये थ्री डायमेंशनल होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होता है, इसलिए यहाँ पर आयतन लिया जाता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, यदि किसी त्रिविमाकार चालक का अल्प आयतन डेल्टा भी हो और उसको दिया गया आवेश डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू तथा डेल्टा भी के अनुपात को ही हम आयतनी आवेश घनत्व कहते हैं और आयतनी आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतनी आवेश घनत्व रो होता है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ भी हम चाहें तो डेल्टा भी इज इक्वल टू अगर 1 m³ कर दें, तो इसको पहली डिफिनीशन इसका क्या दे सकते हैं कि किसी घनाकार आवेश का अल्पांश आयतन डेल्टा भी हो जिस पर वितरित हुआ आवेश डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू तथा डेल्टा भी का जो अनुपात होता है वही आयतनी आवेश घनत्व तो कहलाता है। अब यहाँ से दूसरी डिफिनीशन, डेल्टा भी इज इक्वल टू 1 m³ अगर हम कर देंगे तो रो की जो वैल्यू होगी, देखिए यहाँ डेल्टा क्यू अपान डेल्टा भी हो जाएगा, डेल्टा भी के जगह पे 1 रखा गया है तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एकांक आयतन के चालक
पर स्थित आवेश को ही उस चालक का आयतनी आवेश घनत्व कहते हैं, और घनत्व है तो यह भी अदिश राशि होगी। अब अगर इसका मात्रक हम लोग देखना चाहें तो इसका मात्रक ये डेल्टा क्यू आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक तो कूलम हो जाएगा, और डेल्टा भी आयतन है, आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। अब अगर ये एस आई पद्धति में है, अगर इसको हम एम के एस पद्धति में चेंज करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मीटर हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये मीटर का पावर माइनस 3 हो जाएगा, और कूलम है तो ये एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया एम्पियर सेकंड। अब इसके बाद यहां से इसकी बीमा हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल माइनस 3, टी को पहले लिखा जाता है, और इस प्रकार ये हो जाएगा ए। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक बीमा क्या है, उसका फार्मूला क्या होगा, फिर रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक बीमा क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, और आयतनी आवेश घनत्व का मात्रक बीमा क्या होगा और इसका फार्मूला क्या होगा, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से याद में रखना है। अब इसके बाद एक और हमको इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ना होगा, और वह है वैद्युत फ्लक्स। हम लोग अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो देखें, हम यहाँ आपको बता देते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हम इसको बता देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। यहाँ जितने सूत्रों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इन सूत्रों में हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको कहते हैं, हम लोग देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। देखिए क्या है वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझ लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित अगर ए क्षेत्रफल हो, या हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर के गुजरने वाली, ध्यान समझ लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर के गुजरने वाली लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, और वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह आप देख लें कि अगर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, या वैद्युत क्षेत्र अगर ई है, तो अब एक बात और हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं, हर जगह अल्पांश क्षेत्रफल लिया जा रहा है, तो अगर अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा यस हो, डेल्टा यस 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 का मतलब सरफेस एरिया होता है, तो क्षेत्रफल कहीं कहीं क्षेत्रफल को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं क्षेत्रफल को डेल्टा यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कर सकते हैं किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम डेल्टा यस लेते हैं तो यहाँ पर हम डेल्टा फाई ले लेंगे, और हम आपको बता दें कि फाई अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर जो गुणा होता है वह अदिश गुणा होता है, और आपको मालूम है कि अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये डॉट होता है। तो इस प्रकार अगर डेल्टा फाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा यस होता है। लेकिन आपने ये भी देखा था कि अगर दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट देखें, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो, तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए का परिमाण ए वेक्टर बी का परिमाण बी हो, ए परिमाण का मतलब आंकिक मान होता है, और परिमाण कैसे निकलता है, दी गई राशि
का जो गुणांक होता है, गुणांक के वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो ये जो होता है यह परिमाण होता है, और इनके बीच का कोण अगर थीटा होता है तो ये कॉस थीटा होता है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई। ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण ई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण डेल्टा एस हो और इनके बीच का कोण कॉस थीटा हो तो ये हो जाता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। इसको आप अच्छी तरह से याद में रखे रहेंगे। अब इस ये जो डिफिनीशन है वैद्युत फ्लक्स की, मैं फिर से बता दूं, ये डिफिनीशन शायद आपको किसी भी पुस्तक में ना मिले, इसलिए इस डिफिनीशन को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर के गुजरने वाली लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को नॉर्मली फाई से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ डेल्टा फाई से प्रदर्शित कर दिए हैं। अब हम यहाँ से चाहें तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका मात्रक निकाल लेते हैं। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और डेल्टा यस क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। कई जगह जो है मात्रक वगैरह लिखने में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, और आगे हम लोगों को चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना होगा तो बच्चे वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखे रहिएगा ये वैद्युत फ्लक्स है। और इसका ये जो मात्रक आपने देखा ये तो एस आई पद्धति में मात्रक है, अगर एम के एस पद्धति में मात्रक हम निकालना चाहें तो न्यूटन है, यह न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है और यह बराबर यम इंटू ए होता है। तो अगर हम एम के एस से पद्धति में मात्रक निकालें तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह बराबर यम इंटू ए, यम किलोग्राम हो जाएगा और ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये है मीटर स्क्वायर और नीचे कूलाम है, कूलाम एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। देखिए इसको फिर क्या हम लिख सकते हैं सही तरीके से, ये हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब, और देखें सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड टू दी पावर क्यूब हो जाएगा, और सेकंड क्यूब ऊपर लेके चले जाएंगे तो सेकंड टू दी पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और एम्पियर बचा, एम्पियर ऊपर लेके चले गए तो ए इनवर्स हो गया। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। देखिए हर चीज एस, हर सबका मात्रक जितनी भी राशियां हैं फिजिक्स में सबका एम के एस से पद्धति में और एस आई पद्धति में मात्रक आप याद रखे रहे हैं, और जब एम के एस पद्धति में मात्रक निकाल लेंगे ना तो बीमा आप यूं ही निकाल लेंगे। तो अब देखें वैद्युत फ्लक्स का एम के एस से पद्धति में, एस पहले एस आई पद्धति में देखिए, एस आई पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, और अगर एम के एस से पद्धति में मात्रक देखेंगे तो किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड टू दी पावर माइनस थ्री एम्पियर इनवर्स होता है। अब अगर हम इसकी बीमा लिखना चाहें तो बीमा लिख लीजिए, किलोग्राम यम हो जाएगा, मीटर है तो एल हो जाएगा एल थ्री, सेकेंड है तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो इस प्रकार हम लोग वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की बीमा भी देख लिए, वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन भी हम लोग समझ गए। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टर्म पढ़े हैं, और इसी पर आधारित ये जो आपने पृष्ठीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतनी आवेश घनत्व और वैद्युत फ्लक्स, इन सबसे रिलेटेड हम ढेर सारे फार्मूले यहाँ निकालेंगे, और ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? यस सर।
और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बातें समझ में आ गई होंगी। और एक बात तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश हर सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट रहे और हर विषय के आप विशेषज्ञ बने, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और यहाँ जो नोट दिया जाता है वह स्पेशल टाइप का नोट होता है, क्योंकि उस नोट से 100% क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के एग्जाम में और इसके साथ साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं, 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सब बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप अच्छी तरह से विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 मार्च 2023 दिन संडे यानी रविवार के दिन यानी कल सुबह 9 बजे मैथमेटिक्स का लाइव क्लास चलेगा और इसके बाद शाम को 4 बजे फिजिक्स का लाइव क्लास चलेगा। अगर आप वहां से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए और जुड़ करके फ्री आप कास्ट पढ़िए। ये हमने शूट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, योर मोस्ट वेलकम।